चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब दिल्ली में दरअसल केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इन सबके बीच तीर्थ पुरोहितों से लेकर उत्तराखंड की आम जनता तलक इसका विरोध कर रही है। विपक्ष और जनता दोनों सरकार पर हमलावर हैं। इन सबके बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के एक बयान ने राज्य की सियासत को और गर्मा दिया है। अजेंद्र अजय का ये कहना है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक संत से अधिक एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देश के नेता नहीं करते जितनी कि शंकराचार्य जी करते हैं। उनका साथ ही उनका यह भी कहना है कि शंकराचार्य लगातार कांग्रेस के मुद्दों को जोर देने का काम करते हैं। संत के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं, विवादित मुद्दों को उठाते रहते हैं, और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई राजनेता भी नहीं करते हैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, संत से अधिक उनको कुशल राजनीतिज्ञ मानता हूँ मैं, कि जिस एजेंडे को कांग्रेस सरकार पूरी कांग्रेस पार्टी जिस एजेंडे को चलाने में सफल साबित नहीं होती है, उस एजेंडे को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अकेले ही संचालित कर लेते हैं, संपादित कर लेते हैं। तो ये उनकी बड़ी काबिले तारीफ उनकी ये बात है। और दूसरी बात यह है कि मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करना चाहता हूँ और उनको चुनौती भी देना चाहता हूँ कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं किसी प्रकार के, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएँ और वहाँ पर जाँच की मांग करें। और उसके अलावा, क्योंकि वो कई बार जाते भी